हेलो गाइस, तो चलिए आज हम लोग चलते हैं सिलीगुड़ी से ही कुछ दूरी पर स्थित गाजलडोबा। जी हाँ, ये जो स्क्रीन पर आप अभी अब व्यू देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, वो इसी जगह की है। तो आज मैं आपको इसी जगह की सैर कराने वाला हूँ अपने इस ब्लॉग में। तो मैं अपने एक दोस्त अर्णव रॉय के साथ निकल पड़ा हूँ इसी जगह की ओर, यानी कि इसी गाजलडोबा के तरफ। सिलीगुड़ी से फुलवाड़ी कैनल रोड होते हुए आमबाड़ी के तरफ जाने का जो रास्ता है, हाल ही में ये जो फ्लाईओवर ब्रिज आप देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर ब्रिज हाल ही में बनकर के तैयार हुआ है। और इसी फ्लाईओवर ब्रिज से हम लोग रेलवे लाइन को क्रॉस कर जाएंगे और यही वो रास्ता है कैनल के जस्ट एडजेसेंट, यानी कि बगल से, जो आपको गाजलडोबा तक पहुंचाती है। पहले यह जगह इतना विख्यात और टूरिस्टों के लिए इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, किंतु हाल ही में स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने इस प्लेस को एक टूरिस्ट हब बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट का काम यहां पर किया है, ताकि दूर दराज के लोग भी इस जगह को विज़िट करें। और बाकायदा आपको यहां पर ठहरने के लिए प्रकृति के गोद में आपको रेस्टोरेंट और लॉजेस वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगी, अगर आप यहां पर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो। और ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कैनल है, जो कि तिस्ता नदी से ये कैनल निकला हुआ है। और फुलवाड़ी में जो कैनल है, उसका सोर्स यहीं से उत्पन्न होता है ये कैनल, जिस जगह पर मैं आपको ले जा रहा हूँ, तिस्ता बैरेज। इसको तिस्ता बैरेज के नाम से भी जाना जाता है। और ये व्यू देखिए, रास्ते के दोनों ओर आपको जंगल ही जंगल दिखेगी। और ठंडा का समय है, इसमें पानी लबालब भरा हुआ है। बारिश के सीज़न में तो बारिश के पानी से ही ये कैनल भरा हुआ रहता है, किंतु विंटर के सीज़न में ये देखिए, रास्ते के दोनों तरफ घनघोर जंगल है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इवनिंग टाइम में जाने से अवॉइड करें, बचें। आप डे टाइम में जाएं, डे टाइम में, क्योंकि एलिफेंट्स वगैरह भी कभी कभार यहाँ पर निकलते हैं। बाकायदा वहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है, जहाँ पर आपको हाथियों के निकलने की संभावनाएं रहती है। और एक तरफ कैनल है, कैनल के दूसरे ओर भी जंगल है बैकुंठपुर, और सड़क के दोनों ओर जंगल। और ये रास्ता आपको सीधा स्ट्रेट उसी जगह पर पहुंचाएगी, तिस्ता बैरेज के पास, गाजलडोबा के पास। और ये मेरे मित्र हैं अर्णव रॉय, हम लोग रास्ते में रुक करके कुछ तस्वीरें लेते हुए रोक नहीं पाए अपने आप को। इतनी सुंदर प्रकृति का ऐसा मनोरम छटा, मैं जो आंख से देख करके आया हूँ, हो सकता है कि कैमरे में मैं उसे कैद ना कर पाया, क्योंकि मैंने ये रिकॉर्डिंग, सारे के सारे रिकॉर्डिंग मोबाइल से किया है। और ये हम लोग पहुँच गए उसी जगह पर जहाँ पर मैं आप लोगों को ले आना चाहता था। और ये जो आप देख रहे हैं दूर, यही है वो तिस्ता बैरेज। यहाँ पर बाकायदा गेट बना हुआ है। और अभी ठंड के टाइम में, जो कि खुद अपने भारत में ही पानी नहीं है ज़्यादा, तो अभी इसमें से हर एक गेट मैं आपको दिखलाऊंगा दूसरे तरफ जा कर के भी। ये एक तरफ का व्यू है, मैंने देखा कि सारे के सारे दरवाजे अभी बंद करके रखे हुए हैं।
और ये दरवाज़ा अगर खुल गया तो यही पानी जो है वो बांग्लादेश की तरफ चले जाएगी। और अभी सारे के सारे पानी को स्टोर करके और ये जो कैनल अभी आप देखे हैं, इसी कैनल में पानी को छोड़ा जाता है और इस कैनल से फिर सिंचाई के लिए जो है वो छोटा छोटा नहर इस कैनल से निकला हुआ है और उसमें पानी को छोड़ा जाता है। और बांग्लादेश में अभी पानी को नहीं छोड़ा जाता क्योंकि अभी पानी का सीज़न नहीं है, अभी ठंड का टाइम है, ये जनवरी का महीना है, जनवरी 2022, राइट। और यही अब आप अगर बारिश के सीज़न में जाएंगे तो तकरीबन 4 से 5 गेट तो आपको खुला हुआ मिलेगा ही और बहुत ही विशाल मात्रा में पानी को छोड़ दिया जाता है और वो सारे के सारे पानी बांग्लादेश में ही जाते हैं। और ये देखिए, जो मैं टूरिस्ट हब की बात कर रहा था, यहाँ पर वोटिंग वगैरह पहले नहीं थी, अभी आप यहाँ पर अगर आए घूमने के लिए तो वोटिंग भी कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग की भी व्यवस्था है और चारों तरफ जंगल ही जंगल आपको दिखेंगी, एकदम प्रकृति की गोद में आपको ये जगह देखने को मिलेगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य यहाँ का सीन। जा कर के आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि आप किसी गलत जगह पर आए हैं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस जगह पर। आप मेरा माने, आप ज़रूर एक बार इस जगह को विज़िट करें। गाजलडोबा इस जगह का नाम है, तिस्ता बैरेज के नाम से भी जाना जाता है। और जिस फाटक और गेट की मैं बात कह रहा था वो यही है, आप जो लेफ्ट साइड में बाएं तरफ देख रहे हैं यही वो फाटक है जिसको ओपन करने से दाहिने तरफ जो आप देख रहे हैं, हर एक आप काउंट कर सकते हैं, बहुत सारे फाटक यहाँ पर हैं, बहुत सारे गेट बने हुए हैं, दाहिने तरफ ही बांग्लादेश में पानी जाता है अगर छोड़ दिया जाए, फाटक को खोल दिया जाए, गेट को खोल दिया जाए। तो अभी सारे के सारे गेट्स जो हैं वो बंद हैं, मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, सारे गेट्स बंद हैं। और यही वजह है कि इस तरफ आपको वीरान और पानी देखिए, इतना पानी यहाँ पर वो चारों तरफ आप जो अभी बालू और रेगिस्तान जैसा देख रहे हैं वो पानी से लबालब भरा हुआ रहता है, इतना पानी और पानी के आवाज़ शोर सुन करके आपको लगेगा कि आप किसी ऐसे जगह में हैं जहाँ पर पहाड़ के ऊपर से झरना और वो भी बहुत ही तेज़ रफ्तार में पानी बहती है, जो कि अभी बिल्कुल बंद है, अभी पानी को नहीं छोड़ा जा रहा है, अभी सारा का सारा पानी अपने भारत में स्टोर करके रखा जा रहा है क्योंकि पानी अभी ज़्यादा है नहीं और यही बारिश के सीज़न में इसको खोल करके पानी को बांग्लादेश की तरफ छोड़ दिया जाता है। तो ये देखिए कितने सारे गेट्स, कितने सारे फाटक हैं। और यही हम लोग कुछ दोस्त हैं जो इस जगह को विज़िट किए और इसमें हम लोग चार जन हैं, चार मित्र हैं, थोड़ा आउटिंग हो गया और बस शाम हो गई है तकरीबन, सारा लगभग हम लोग यहाँ पर 12-1 बजे आए थे और अभी 4-5 बजे का समय है, शाम हो गई है, सूरज अब डूबने ही वाला है और ये नज़ारा उफ बहुत ही सुंदर, रोक नहीं पाया मैं अपने आप को इस तस्वीर को कैमरा में कैद करने से। और यही है कि मैंने इसी तस्वीर का थंबनेल भी बनाया। धन्यवाद आप सब।